अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू FPSC क्लब। आज के हम इस वीडियो में आपके साथ पंजाब पुलिस के कांस्टेबल का जो पास्ट पेपर है 2022 का, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस पेपर में हम आपके साथ MCQs और जो रिटन पेपर है जिसके अंदर आपसे पैराग्राफ और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर किस नौयत का लिया जाता है, पेपर के अंदर किस सब्जेक्ट्स के MCQs और क्वेश्चन आंसर्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, पेपर के मार्क्स कितने होते हैं और आपको वक्त कितना दिया जाता है। इस तरह की आपकी तमाम क्यूरीज़ का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पंजाब पुलिस के तमाम पेपर्स की तैयारी इसी YouTube के चैनल FPSC क्लब के ऊपर ही करवाएंगे। और जो आपको पास्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो 100% लीगल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इराक़ी करेंसी का क्या नाम है। तो इराक़ी करेंसी का नाम दीनार है। दूसरा सवाल हमारे पास है कि बंगाल की तकसीम कब हुई। जो बंगाल है उसकी तकसीम 1905 में हुई, ठीक है। हमारे पास तीसरा MCQs है कि चीन के दारुल हकूमत का क्या नाम है। तो चीन के दारुल हकूमत का नाम बीजिंग है, ठीक है। इंडोनेशिया कहाँ वाक़े है, एशिया में, ठीक है। दुनिया की सबसे चौड़ी गली ब्रॉडवे कहाँ वाक़े है, अमेरिका में। छवा हमारे पास MCQs है कि सऊदी अरब के दारुल हकूमत का नाम बताएं। तो इसका दारुल हकूमत है रियाज, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया किस मुल्क की बंदरगाह है, ठीक है, मिस्र की। किस तारीख को इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जाता है, दिसंबर 10 को, ठीक है। 10 दिसंबर को इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जाता है। किस तारीख को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और न्यूजीलैंड में बॉक्सिंग डे मनाया जाता है। तो 26 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और न्यूजीलैंड में बॉक्सिंग डे मनाया जाता है। इसराइल की पार्लियामेंट का नाम ये नेस्ट, ठीक है, नेस्ट है, ठीक है। मस्जिदुल अक्सा कहाँ वाक़े है, इसराइल में। जंगे पलासी कब हुई, 1757 में, ठीक है। लायलपुर का अब नाम क्या है, फैसलाबाद। पहली जंग अज़ीम कब शुरू हुई, 1914 में। क़याम पाकिस्तान के बाद किस ज़ुबान को कौमी ज़बान करार दिया गया, उर्दू को, ठीक है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास मुआहिदा तय हुआ 1960 में, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई, ठीक है, 1935 में। आप इसके अंदर गौर करें कि जो तमाम के तमाम MCQs हैं वो पाक स्टडीज़ के पूछ रहे हैं, जो कि 9th और 10th में हम पढ़ा करते थे, ठीक है। सब के सब जो MCQs हैं वो मैट्रिक बेस के हैं, जो कि हम पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर पढ़ा करते थे 9th एंड 10th क्लास में। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है 1956, 1956 में, ठीक है। तकसीम हिंद के वक्त बरसग़ीर में कितनी देसी रियासतें थीं, ठीक है, 625। लॉर्ड माउंटबेटन कब वुसराए हिंद मुकर्रर हुआ, मार्च 1947 में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है MCQs है कि जाहिद के हम मायनी लफ्ज़ क्या हैं, इबादतगार। 22वां MCQs है हमारे पास कि महर के मुतरादिफ क्या लफ्ज़ है, महर के मुतरादिफ हक़, ठीक है। सीरत की जमा क्या है, असीरात, ठीक है। रहबर का मुतजाद लिखें, रहजन, ठीक है। इसके बाद है ढब का मुतरादिफ क्या लफ्ज़ है, तरीक़ा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अगला MCQs है वो इंग्लिश में है कि मोस्ट नियरली मीनिंग टू द वर्ड डेंजर, ठीक है। इसका हमारे पास जो है आंसर वो है रिस्क, ठीक है। मोस्ट नियरली मीनिंग टू द वर्ड अफेक्शन, इसका हमारे पास जो आंसर है वो है लव, ठीक है। इन MCQs के बाद आपके पास सब्जेक्टिव पार्ट भी आपसे टेस्ट लिया जाएगा, जिसका आपको वक्त तो 2 घंटे दिया जाएगा और आपके जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 60 होंगे और जो मतलब के टोटल मार्क्स होंगे वो 100 होंगे, ठीक है। इसका आप नोट चेक कर लें पहले कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। और हमारे पास जो दूसरा है वो है ऑल द क्वेश्चंस आर टू बी अटैम्प्ट ऑन द आंसर शीट, ठीक है। हमारे पास एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 था और ये जो पैराग्राफ है 100 टू 150 वर्ड्स का, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये पैराग्राफ हमने किस मौजू पर लिखना है, वो है आ ड्रग एब्यूज़ अ थ्रेट टू सोसाइटी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो आप तैयारी कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। ठीक है, आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे चैट जीपीटी, आप वहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और वहाँ पर आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 टू 150 वर्ड्स ऑन द गिवन टॉपिक अ ड्रग एब्यूज़ अ थ्रेट टू सोसाइटी। ठीक है, या आप लिखेंगे तो चैट जीपीटी आपको एक मुकम्मल पैराग्राफ लिख कर दे देगा। हमारे पास इसका जो पार्ट बी है वो है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ये हमारे पास एक पैराग्राफ होगा, बिल्कुल सिंपल सा पैराग्राफ है, हज़रत खालिद बिन वलीद का पैराग्राफ है और ये आपने पूरा पढ़कर इसके अंदर से कोई 3 से सवाल पूछेंगे वो जिसका आपने जवाब देना है। ठीक है, ये 9th के पेपर में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं, एक पैराग्राफ उन्होंने दिया होता है और साथ उन्होंने 3 सवाल या 4 सवाल या 5 सवाल दिए होते हैं कि आपने इस पैराग्राफ के अंदर से ये 5-6 सवालों का जवाब देना है। ठीक है, इसी तरीके का ये बिल्कुल पैराग्राफ है कि खालिद बिन वलीद वाज एक्सट्रीमली काइंड हार्टेड एंड जस्ट टू द पीपल, हिज आर्मी हैज़ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स नॉट टू डू एनी हार्म टू द फार्मर्स, एजड पर्सन्स, वुमेन्स, चिल्ड्रंस एंड अदर सिविलाइजेशंस, दे आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लें और उसके बाद आपने 3 इसके जो हैं सवाल उनका जवाब देना है कि वट वर द ऑर्डर्स गिवन टू द आर्मी। इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो पहला पैराग्राफ के अंदर आप दूसरी लाइन देखें कि हिज आर्मी हैज़ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स नॉट टू डू एनी हार्म टू द फार्मर, एजड पर्सनस, वुमेन, चिल्ड्रंस एंड अदर सिविलाइजेशंस। ठीक है, इसी तरह के आपने दूसरा सवाल भी आप देख लें कि हाउ हैड देयर फार्मर्स मास्टर्स ट्रीटेड देम। ठीक है, इसका भी आप ये आंसर देख लें कि दे शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, इसी के बाद हमारा जो इसका तीसरा क्वेश्चन होगा वो होगा कि वाई डिड द पीपल हेट देयर ओल्ड मास्टर्स, द ईरानियन एंड बेजेंटाइन ऑफिसर्स वर वेरी हार्ड ऑन देम। ठीक है, जो ईरानी उनके ऊपर मुसल्लत थे पहले, वो बहुत उनसे काम लेते थे मुशक्क़त के और उनके साथ बहुत सख्त रवैया था उनका, जिसकी वजह से उनको अपने ओल्ड जो उनके आका थे, सरकार थे, मालिक थे, वो उनको पसंद नहीं करते थे जो फार्मर्स होते थे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो अगला इसका सी पार्ट होगा वो होगा कि मेक सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, डेस्टिट्यूट, प्रोफिशेंट एंड इम्मेजरेबल। ठीक है, ये 3 हमारे पास वर्ड्स हैं जिनको आपने अपनी तरफ से सेंटेंस में लिखना है। हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो होगा कि डिस्क्राइब द 4 टायर्स ऑफ बेसिक डेमोक्रेट सिस्टम ऑफ जनरल अयूब खान। ठीक है, इसका जो हमारे पास पार्ट बी होगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट सेकंड 5 ईयर्स डेवलपमेंट प्लान, 1960 से 1965 का जो डेवलपमेंट प्लान था, तरक्याती मंसूबा था, आपने वो लिखना है। ये भी आप देख सकते हैं कि पाक स्टडीज़ का क्वेश्चन है। जो चौथा क्वेश्चन है वो फैक्टराइज है। ठीक है, ये जो सी है इसको आपने आसान शक्ल में लिखना है। इसका जो पार्ट बी है वो आप देखें कि इसको आपने लोग में लिखना है। ठीक है, इसके लिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। आप 2 log 11/13 प्लस, ये आपका कैलकुलेटर के ऊपर क्वेश्चन जो है वो सोल्व होगा। ठीक है, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो ट्रायंगल का है कि ट्रायंगल 180 एंगल का होता है। इसका जो राइट है वो 24 का है, तो बाकी कितने हैं, क्योंकि ये आपका सारा जो है वो मैथमेटिक्स का सवाल है, तो ये आपके मैथमेटिक्स पर ही सोल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ही पार्ट बी आपको बताएंगे। हमारे पास मज़ीद पेपर्स भी हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो जो मज़ीद हमारे पास पास्ट पेपर्स पड़े हुए हैं वो हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पास्ट पेपर की तमाम समझ लग गई होगी। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या क्यूरी हो तो आप वो व्हाट्सएप, या हमारा नंबर है 030350864222, उसके ऊपर भी पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे रब्ता कर सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।